नमस्कार एवरीवन, हाय, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट। और आजकल जो ये सीरीज चल रही है स्टोरी टेलिंग की, एवरीबडी इज लाइकिंग अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर लाइक्स, ऑल योर शेयर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो होता क्या है कि एक बार एक पैलेस में एक किंग जो राजा रहते थे, उन्होंने अपनी डॉटर को एक बहुत ही प्रेशियस नेकलेस गिफ्ट किया। और विद इन 2-3 days घूमते घामते जो राजकुमारी जी थी, उनका नेकलेस कहीं गिर गया। अब वो कहीं गिर गया, गुम गया, पूरे पैलेस में ढूंढा गया, नहीं मिला। उसके बाद पूरे किंगडम में, राज्य में इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई कि अब ये जो नेकलेस है इनका इतना ज़्यादा कीमती, ये जो भी लाएगा हमारे पास में उसको 5,000 सोने की मोहरें, यू नो गोल्ड कॉइन्स, वो हम प्रेजेंट करेंगे। तो बस सब लोग लग जाते हैं ढूंढने में, और ढूंढते हैं, नहीं मिलता किसी को भी। एक बार एक गरीब व्यक्ति जो राज्य में ऐसे ही बस चल रहा था, अपने किसी काम से जा रहा था, और नदी के किनारे चलते चलते उसको एकदम से नदी भी बहुत, उस जगह पे नदी का पानी बहुत गंदा था, लेकिन स्टिल जब उसने देखा, उसको लगा कुछ चमक रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ रही थी पानी में। तो देखा जब उसने, तो उसको लगा कि नीचे कुछ चमकती हुई चीज़ है। और जब उसने ध्यान से देखा, क्योंकि पानी थोड़ा गंदा था तो दिख भी इतना साफ नहीं रहा था नीचे तक, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक डायमंड नेकलेस पड़ा हुआ था। अब उसने ट्राई किया कि हाथ मारने का उसमें नदी में, क्योंकि पानी तो गंदा था, उसका मन नहीं था, लेकिन उसको 5,000 सोने की मोहरें याद आ रही थी कि मुझे ये इनाम में मिलने वाली हैं। उसने हाथ डाला नदी के पानी में, गंदे पानी में, और जैसे ही हाथ डाला वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में वो हार कर चला गया अपने घर। अब नेक्स्ट डे फिर वो उधर से निकला, सोचा कि अगर वो बच गया हो, किसी के हाथ ना लगा हो, तो मैं देख लूँ जाकर। और जब उसने देखा तो वहाँ से निकलते हुए फिर से उसे वहाँ पे वो हार दिख गया, पानी फिर गंदा था। अब उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस पानी में ही उतर जाता हूँ, लगता है ये बहुत नीचे है। तो वो जो है अपना इसी तरह से नीचे उतर गया। अब नीचे उतरा पानी में, पानी गंदा, सारे कपड़े गंदे हो गए, खुद भी गंदा हो गया, लेकिन नेकलेस नहीं मिला उसको। वो बहुत ज़्यादा थक गया, हार गया, परेशान हो गया, बाहर निकल के बैठ गया, पैर और हाथ पैर सब गंदे, कपड़े गंदे, बैठा हुआ है परेशान होके। अब वहाँ से एक साधु महात्मा निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि व्यक्ति बहुत परेशान है, कपड़े गंदे हैं नदी के पानी से, तो उन्होंने पूछ लिया रुक कर कि क्या बात है पुत्र, तुम क्यों इस तरह से उदास बैठे हो, या क्या हो गया तुम्हारे साथ में। अब उसको लगा कि यदि मैंने ये बात बता दी इन संत महात्मा को, पता चले कि ये नेकलेस ले लें, या कुछ भी हो सकता है, मुझे तो 5,000 सोने की मोहरें चाहिए, उसको उन पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन वो तो साधु हैं, वो तो संत हैं, उनसे तो देखा नहीं जा रहा है कि कोई व्यक्ति परेशान है। तो उन्होंने फिर से पूछा कि बता दो वत्स, क्या बात है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो उसने किसी तरह से सोच के साधु जी पे विश्वास किया और बोला कि इस तरीके से मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, और कल भी मैंने ट्राई किया निकालने का, नहीं निकला, आज मैं खुद घुस गया तब भी ये नेकलेस नहीं निकल रहा है, और इसके ऊपर 5,000 सोने की मोहरों का इनाम है जो मुझे चाहिए, तो ये मुझसे नहीं निकल पा रहा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने, वो समझ गए कि क्या बात है, जब उन्होंने देखा नीचे और नज़र घुमाई और ऊपर की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा तुम नीचे की जगह तुम ऊपर देखो। जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर पेड़ पर वो नेकलेस लटक रहा था, और उसकी रिफ्लेक्शन जो है उस गंदे पानी में आ रही थी, जो कि वो पकड़ नहीं पा रहा था। तो इस तरह से उसकी बात समझ में आई और उसने वो नेकलेस वहाँ से ले लिया। तो अल्टीमेटली क्या समझते हैं इस स्टोरी से, समझते ये हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो मटेरियल आइटम्स हैं इस वर्ल्ड में, मटेरियल हैप्पीनेस है, ये जो है ये इसी तरह से है,
रिफ्लेक्शन जो है ये वाटर का, पॉल्यूटेड वाटर का, उसके अंदर से जब हम देखते हैं तो ये ट्रू हैप्पीनेस दिखती है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो हमें नहीं मिल पाती। हम जितना भी चाहें, जितनी भी कोशिश कर लें, हम अपने आप को कभी भी इस मटेरियल हैप्पीनेस से कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो इसीलिए वी शुड लुक अपवर्ड, लुक टूवर्ड द गॉड, ऊपर की तरफ देखें, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, यू नो, भगवान की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, कि एग्जैक्टली जो सच है वो क्या है। मटेरियल इज़ टेम्प्ररी, स्पिरिचुअल इज़ द परमानेंट। सो ट्राई टू जस्ट गेट कनेक्टेड, कनेक्ट होने का सोचिए उस रियल सोर्स के साथ में, ऊपर की तरफ देख के रियल सोर्स के साथ कनेक्ट होने का सोचिए, ना कि बस ये छोटी छोटी चीज़ों से जो भौतिक सुख है उससे बस सोचे कि हम खुश हो जाएंगे, तो ये खुशी कभी भी पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए जितनी है उसमें सेटिस्फाई होना और उसके साथ में अध्यात्म से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना और उस भगवान में विश्वास करना, ये और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है उसको ढूंढना, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो इसीलिए इसी तरह से जितना ज़्यादा डीप डाउन हम जाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ग्रीड और बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कभी भी वो खुशी नहीं मिल पाएगी जो एक्चुअली चाहते हैं। मिलेगी व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल जर्नी। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, सिट एंड थिंक अबाउट इट, एंड इट्स अ रियली ब्यूटिफुल स्टोरी टू टेल यू लाइक हाउ वी कैन जस्ट move on the spiritual path. All right, so thank you so much. Have a very great day ahead.